क्या आप भी अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जैसे कि SEO, SMO में घंटों लगा के बिल्कुल थक चुके हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपके डिजिटल मार्केटिंग के जो टास्क हैं बिल्कुल आसान हो जाए, जिससे आप बिना एक सेकंड गवाए दूसरे जरूरी कामों पर अपना फोकस कर सके? अगर आप भी ऐसे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको बता दूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप सब कुछ बिल्कुल आसान कर सकते हैं। एक ऐसा टूल जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को ही बदल कर रख देगा। डोंट वरी, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने छोटे से बिजनेस को भी बढ़ाकर लार्ज स्केल पर ले जा सकते हो। आपको सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि कैसे AI आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को इतना बेहतर बना सकता है कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए मेरे साथ एंड लर्न द पावर ऑफ न्यू जनरेशन AI टूल्स। जब से AI आया है ना, तब से उसने सब कुछ उतल पुतल कर रखा है। अब हम सब कुछ बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट? वो भी कुछ ही सेकंड्स में। AI की वजह से हमारा डिसीजन लेने का तरीका भी बदल गया है। अब हम डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं जो हमें ज्यादा एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली डिसीजन लेने में मदद करते हैं। लेकिन 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 जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही AI के फायदे अनेक हैं लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। हर मार्केटर को यह समझना बहुत जरूरी है कि AI को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। तो अगर आपको AI के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। बस सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के बाद सारे वीडियोस फटाफट से देखना शुरू कर दो एंड आपको AI के बारे में ढेर जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं उन टास्क पर जिन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहला टास्क है AI फॉर SEO। दोस्तों, जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट्स में बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देती है, राइट? मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिजल्ट्स और स्पेशली पहले पेज वाले कैसे आते हैं? इसका एकमात्र आंसर है SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का काम क्या है? आपकी वेबसाइट या कंटेंट को सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखाना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर लोग पहले पेज के रिजल्ट्स को ही खोलते हैं ये सोचकर कि वो सबसे यूजफुल और रेलिवेंट होंगे। और ऐसा सिर्फ गूगल के साथ ही नहीं बल्कि यूट्यूब और दूसरे सर्च इंजन के साथ भी होते हैं। और अगर आपका कॉन्टेंट टॉप रिजल्ट में नहीं है तो आप बहुत सारे फ्यूचर कस्टमर्स को यूं ही गंवा देते हैं। तो इसमें AI का क्या रोल है? AI टूल्स SEO रैंकिंग और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज बनाते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी सर्च इंजन पे सबसे ऊपर कैसे रैंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको बस अपने चैट GPT में जाना है और यहां AIPRM जो क्रोम एक्सटेंशन है उसे ओपन करना है। और अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो कर लो। मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में क्लियर डिटेल बताया है। आपको नहीं पता तो उस वीडियो को ओपन करना इसके बाद और वहां जाकर ऑप्शन देख लो। अब यहां पर आपको जाना है, सर्च करना है और सेमरश कीवर्ड टूल लिखना है। अब आपको अपना मेन कीवर्ड एंटर करना है यहां पर। मान लो कि मेन कीवर्ड आपका है डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो इसका मैजिक, ये टूल आपको कीवर्ड्स के साथ साथ उनका वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी भी दिखा रहा है। क्या मस्त है ना दोस्तों? आई होप कि अब आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ गया होगा क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है। अब हमें कीवर्ड्स मिल गए तो इनसे हम कंटेंट के लिए कैची टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस भी रेडी करवा सकते हैं। तो चलिए ये भी AI से ही करवाते हैं। इसके लिए आपको दोबारा एक चीज सर्च करनी है ChatGPT में, दैट इज SEO टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको सिलेक्ट करने के बाद बस अपना मेन कीवर्ड इसमें पेस्ट कर दो और फिर देखो रिजल्ट। गाइस, कितने सारे रेलिवेंट टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन आपको बस कुछ ही सेकंड्स में मिल गए। अब आप इन्हें यूज कर सकते हैं अपने टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह। टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज नोन एज ब्लॉग आउटलाइन। और ये भी हम करेंगे ChatGPT में। अगर स्टार्टिंग में ही ऑडियंस को आपका कंटेंट रिलेटेबल नहीं लगता है ना, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होता है और आपकी सारी मेहनत जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है।
हर आर्टिकल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, खासकर एसईओ के नजरिए से। और एआई आपको इसमें भी जबरदस्त तरीके से मदद कर सकता है। सिंपल, अब हमें एक छोटा सा एक और सर्च करना है चैट जीपीटी में, विच इज ब्लॉग आउटलाइन। एंड आपके सामने प्रॉम्प्ट आएगा ब्लॉग आउटलाइन का, और इसको क्लिक करना है और टाइप करना है ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा। सो गाइस देखिए, एआई ने इसको भी आपको रेडी करके दे दिया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। नाउ लिखने के लिए अगेन आपको ये भी दिखाता हूं कि कैसे एआई से कंप्लीट आर्टिकल्स आप लिखवा सकते हैं। आपको सर्च करना है अगेन आर्टिकल, और फिर ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इस ऑप्शन को क्लिक करना है, टाइटल एंटर करना है अपना, और ये देखो अगेन एक और मैजिक, आपका सारा का सारा कॉन्टेंट इमीडिएटली इसने रेडी कर दिया। जब बात एसईओ की होती है तो कंटेंट की इंपॉर्टेंस सबको पता है, क्योंकि इसमें ही हमारा सबसे ज्यादा टाइम जाता है ये सोचने में कि कैसे आपका कंटेंट यूजर्स और एसईओ फ्रेंडली हो, कैसे कम टाइम में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लिख सकते हैं। सब डिजिटल मार्केटर जानते हैं कि कंटेंट माई बाप है, तो अब ये कंटेंट सिर्फ कंटेंट ना रहकर बेस्ट कंटेंट कैसे बनेगा, ये बनेगा सही प्लानिंग, सही राइटिंग स्टाइल और सही ऑप्टिमाइजेशन से। और इन सब के लिए एक सॉल्यूशन, कंटेंट चेक, जिसमें ये तीनों फीचर्स हैं। ये टूल आपकी हर स्टेप में मदद करता है, चाहे वो प्लान करना हो, कंटेंट लिखना हो या ऑप्टिमाइज करना। लेकिन इसको यूज कैसे करना है, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग, और कंटेंट चेक आपको गाइड करता है कि आपको कौन से टॉपिक्स चूज करने चाहिए जो ट्रेंडिंग है और आपके ऑडियंस के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। प्लानिंग के बाद बारी आती है राइटिंग की, पर अगर शुरुआत में ही अटक जाओ तो कंटेंट चेक है ना, ये आपको कुछ कमाल के स्टाइल्स और टेम्पलेट सजेस्ट करता है जिससे आपका कंटेंट नेक्स्ट लेवल बन जाता है। जब कंटेंट तैयार हो जाता है तो अब बारी आती है ऑप्टिमाइजेशन की। इस टूल से आपको टिप्स मिलते हैं कि कैसे कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाया जाए। कंटेंट चेक के साथ टाइम बचता है, अलग से रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है, और कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होने की वजह से सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर रैंक भी करता है, प्लस पढ़ने वाले को भी मजा आ जाता है। और हाँ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। मस्त टूल है ना, तो जल्दी साइन अप कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वापस आते हैं अपने मेन कॉन्टेंट पे। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे एआई के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को, और वो है ऑटोमेशन, यानी आपका काम बिना किसी मैनुअल वर्क के हो जाएगा और आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो जरा, हर रोज सुबह 9 बजे उठकर आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट डालनी है, क्या आप हर रोज एग्जैक्टली 9 बजे खुद ऑनलाइन रहकर पोस्ट कर सकते हो? नहीं ना। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, आपको सिर्फ इन टूल्स में टाइम सेट करना है और एआई खुद ही उस करेक्ट टाइम पे आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें पोस्ट कर देगा। ये टूल्स आपको दो बहुत बड़े बेनिफिट देते हैं। पहला, आपको हर टाइम पोस्ट डालने के लिए ऑनलाइन नहीं आना पड़ता। दूसरा, कि ये आपके ऑडियंस के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, मतलब आपकी पोस्ट हमेशा टाइम पर ही पोस्ट होती है, चाहे आप कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो। सो गाइस, सोशल मीडिया ऑटोमेशन के लिए जो टूल्स आप यूज कर सकते हो उनमें से स्प्राउट सोशल, सोशल भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप गूगल में आराम से सर्च कर सकते हो, ऐसे भी और भी टूल्स अवेलेबल हैं। तो समझे कि एआई कितना हेल्पफुल हो सकता है। इससे ना सिर्फ हमारा टाइम सेव होता है बल्कि बिजनेस का ग्रोथ भी डायरेक्टली बूस्ट हो सकता है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन एआई टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दो जल्दी से। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो है हमारा तीसरा टास्क, एआई से कैसे राइट ऑडियंस का पता लगाया जा सकता है। जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि आपको वही एड्स ज्यादा दिखते हैं जिन पे आप इंटरेस्टेड होते हैं? ये कोई जादू नहीं है दोस्त, बल्कि ये रीजन है एआई टारगेटिंग का। मान लीजिए अगर आपको शूज खरीदना है तो आपको शूज से रिलेटेड एड्स ही दिखेंगे, ना कि कुकिंग से रिलेटेड। यही है एआई टारगेटिंग का असली कॉन्सेप्ट। जब ये टेक्निक सही तरीके से यूज करते हैं तो ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिससे हम बेटर कन्वर्जन रेट्स को अचीव कर सकते हैं।
अपनी ऑडियंस की प्रेफरेंसेस, उनके डिसलाइक्स, उनकी प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ समझने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब एआई का जमाना है, एआई टूल्स अब हमें इन्हीं सब में हेल्प करते हैं कि ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्टेड है और फिर उन्हें वही कंटेंट या एड्स दिखाते हैं। लेकिन कैसे? आपको सिर्फ चैट जीपीटी के एआई पीआरएम के सर्च बॉक्स में ऑडियंस टारगेटिंग टाइप करना होगा और फिर बेस्ट ऑडियंस टारगेटिंग फॉर एड्स कैंपेन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको बस अपने प्रोडक्ट का नाम, जिस लोकेशन पर आप सेल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा, बाकी का काम एआई खुद करेगा। देखा एआई का कमाल, इसने हमें सारी इंफॉर्मेशन अपने आप क्रिएट करके दे दी है। तो दोस्तों, देखा आपने एआई ने डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से बदल दिया है, चाहे वो रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना हो, टारगेट ऑडियंस तक सही मैसेज पहुंचाना हो या एसईओ को बेहतर बनाना हो। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं तो एआई आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। और हाँ, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही सीखते रहिए और एआई को अपनाते रहिए।